नमस्कार, मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में आप सबका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर 1 को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहते हैं। कहाँ तक हमने पढ़ाया था, कहाँ पर हमने पिछले लेक्चर को फिनिश किया था? तो देखिए, हमने अपनी बात को यहाँ फिनिश किया था पिछले लेक्चर में कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, और उसके बाद मैंने बताया था कि सेल कैसे बनता है। तो मैंने एक बात बताई थी कि जब दो हाफ सेल मैंने हाफ सेल को डिफाइन किया था, जब दो हाफ सेल, एक हाफ सेल ये है, दूसरा हाफ सेल ये है, इन दोनों हाफ सेल को ऐड कर दिया जाता है कनेक्टिंग वायर से, और ये साल्ट ब्रिज के माध्यम से दोनों सोल्यूशन को कनेक्ट किया जाता है। ये इन्वर्टेड यू ट्यूब जो है, इसी का नाम है साल्ट ब्रिज। पिछले टर्न पर मैंने आपको ये फिगर बताया था, मैंने कहा था कि ये कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल, अगर जिंक की ये राड है, इस राड को मैंने माना कि ये जिंक की राड है, और किस में डिप है? जिंक सल्फेट में। पिछले टर्न पर ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। ये कापर की राड है, ये कापर सल्फेट में डिप है, ये कापर की राड है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भरा हुआ है वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है कापर सल्फेट। तो इस तरीके से कापर को कापर सल्फेट में, जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया गया है, और इस दोनों हाफ सेल को कनेक्ट किया गया है इन्वर्टेड यू ट्यूब से। इन्वर्टेड यू ट्यूब यही कहलाता है साल्ट ब्रिज। कई बार IIT JEE और नीट में साल्ट ब्रिज से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो यही है साल्ट ब्रिज, SALTBRIDGE। पिछले टर्न पर आपने ये फिगर बनाया था, समय फिनिश हो चुका था, इसलिए मैंने लेक्चर को समाप्त किया था। आज उसी के आगे से हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। साल्ट ब्रिज इसी को कहा जाता है जो इन्वर्टेड यू ट्यूब है, INVERTED, इन्वर्टेड यू ट्यूब। और इन्वर्टेड यू ट्यूब का काम क्या है? ये दोनों हाफ सेल के जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, दोनों को कनेक्ट करता है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द इन्वर्टेड यू ट्यूब, तो आप ये बताइएगा कि इन्वर्टेड यू ट्यूब का काम है दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को कनेक्ट करना। तो इसके अंदर कौन कौन सा भरा जाता है मटेरियल? इसके अंदर देखिए, जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट का मतलब कि जो निष्क्रिय हों, जो अक्रिय हों, इनर्ट हों, वो किसी के साथ रिएक्शन न कर, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और वो क्या क्या चीज़ें? जैसे KCl, जैसे NH4NO3। इनर्ट क्या है भाई? ये इनर्ट सब मैंने क्यों कहा? मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट अगर ब्रेक हो तो कैटायन की संख्या और एनायन की संख्या बराबर हो दोनों पर चार्ज से। देखिए, अगर मैं देखूं तो KCl जब डिसोसिएट होगा तो K प्लस देगा और क्या देगा? Cl माइनस देगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज एक है, निगेटिव चार्ज की संख्या भी एक है, दोनों एक दूसरे के न्यूट्रलाइज कर देंगे ना। इसी तरीके से आप NH4NO3 को ब्रेक करिए तो आपको मिलेगा NH4 प्लस और क्या मिलेगा? NO3 माइनस। तो ये देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो KCl, NH4NO3 और इसके बाद NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड भी यूज किया जाता है। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं, और सारे इलेक्ट्रोलाइट इन्वर्टेड यू ट्यूब में, जिसको हम साल्ट ब्रिज भी कहते हैं, उसमें यूज किए जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साल्ट ब्रिज। पिछले टर्न पर हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि दो हाफ सेल, एक हाफ सेल 1 है, एक हाफ सेल 2 है, ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा, लेफ्ट साइड है, ऑक्सीडेशन होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, राइट साइड होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, इस पर रिडक्शन होगा। सारी बातें हम लोगों ने पिछले टर्न पे डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साल्ट ब्रिज। ये जो इन्वर्टेड यू ट्यूब है, इसी की विशेषता हमको पढ़ना है, चूँकि IIT JEE और नीट में कई बार इससे प्रश्न आया हुआ है साल्ट ब्रिज से। बच्चा स्टूडेंट तो दोनों चीज़ों को बना लेता है, इसको कनेक्ट भी कर लेता है, लेकिन वो इससे रिलेटेड जो बारीकियां हैं, जो चीज़ें इसके अंदर भरी गई हैं, और क्यों इनर्ट ही लिया गया, क्यों यहाँ पर इसको सोक किया गया, क्यों यहाँ पर पोर्स बनाए गए, तो ये सारी चीज़ें कभी कभी पूछी गई हैं। तो इसीलिए हम एक छोटी हेडिंग देंगे और उसी हेडिंग के तहत लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साल्ट ब्रिज। हेडिंग डालिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साल्ट ब्रिज, CHARACTERISITICS, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साल्ट ब्रिज, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज की विशेषताएं, तो इसकी जितनी विशेषताएं हैं
पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला विशेषता यह है कि साल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब फिल्ड विद द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। पहला पॉइंट क्या है भाई? इन्वर्टेड, इट इज फर्स्ट पॉइंट, इट इज इन्वर्टेड, इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब, इट इज इन्वर्टेड, इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब filled with the concentrated solution, filled with the concentrated solution of inert electrolytes, ELECTROLYTES. तो इट इज़ इन्वर्टेड यू ट्यूब फिल्ड विद द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट को आप लोग सर्किट कर लीजिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो इनर्ट शब्द पर आपकी निगाह जरूर जानी चाहिए। और एग्जांपल में दो चार एग्जांपल ले लीजिए, कौन कौन से इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं। एग्जांपल, पहला एग्जांपल बताएं भाई, जिसमें कैटायन और एनायन की संख्या सेम हो, जिससे कि ये चार्ज और ये चार्ज की संख्या सेम हो गई तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिर दूसरा बोलिए KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, फिर बोलिए NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, फिर बताइए NH4Cl एसेट्रा ETC, ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही, थोड़ा हम बताना चाहते हैं, ये KNO3 का नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट ये तो इसका केमिकल नेम है, लेकिन इसका कमर्शियल नेम भी कुछ है, तो उसका नाम क्या है बता सकते हैं कि नहीं? एक होता है इंडियन साल्ट पीटर, एक होता है चिली साल्ट पीटर। तो कई बार कंपटीशन में आया हुआ है कि इंडियन साल्ट पीटर का नाम क्या है, तो वो KNO3 ही है। तो आप नोट कर लीजिए, KNO3 इज नोन एज इंडियन साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर। ये आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, मैं कैसे याद करता था, मैं भूल जाता था, ये दो चीज़ें, एक होता है NaNO3 और दूसरा होता है KNO3। मैं भूल जाता था, जब मैं इंटरमीडिएट में था, BSc में था, तो मैं भूल जाता था कि कौन चिली साल्ट पीटर है, कौन इंडियन साल्ट पीटर है। तो मैंने सेट किया था IK, देखो IK का मतलब I माने इंडियन, INDIAN, और K माने KNO3, बस एक सेट कर लिया था, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा, इंडियन, IK याद किया था, IK का मतलब I माने इंडियन, K माने KNO3, और जब ये IK हो गया तो दूसरा निश्चित रूप से चिली साल्ट पीटर होगा, CHI चिली साल्ट पीटर, लिख लीजिए दोनों को, लिख लीजिए, कभी भी आ सकता है इंडियन साल्ट पीटर और चिली साल्ट पीटर। सेकेंड पॉइंट, दूसरी विशेषता क्या है? पहली विशेषता तो बहुत आसानी से आपने समझा कि सर ये इन्वर्टेड यू ट्यूब है, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में जैसे KCl, NH4, NO3, NH4Cl ये सब हैं। इनर्ट ही क्यों रखे जाते हैं? इनर्ट इसलिए रखे जाते हैं कि सर ये जा करके इस सोल्यूशन के साथ कोई भी रिएक्शन ना करें, इसीलिए इनर्ट रखे जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को निष्क्रिय कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, इसीलिए इनर्ट रखा जाता है। सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरा गया है, जैसे KCl, NH4NO3, NH4Cl, इसमें कैटायन की मोबिलिटी, मतलब इसके मूवमेंट करने की जो स्पीड है, इसका जो मूवमेंट है, दोनों की मोबिलिटी, मतलब इसकी जो वेलासिटी है, K+ की जो मोबिलिटी है और Cl- की मोबिलिटी है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्यों ऐसा है कि जिस स्पीड से K+ निकल के इधर आए या इधर जाए, उसी स्पीड से उसका जस्ट पार्टनर, जो अपोजिट पार्टनर है, दैट इज द Cl- नेगेटिवली चार्ज वाला है, वो उसी स्पीड से दूसरे वाले इलेक्ट्रोड में एंटर करे या प्रवेश करे। इसका मतलब कि दूसरी विशेषता यह है कि मोबिलिटी ऑफ द कैटायन इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ द एनायन ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड पॉइंट, मोबिलिटी ऑफ द कैटायन, मोबिलिटी ऑफ द कैटायन नियरली इक्वल टू, मोबिलिटी ऑफ द कैटायन इज नियरली इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ द एनायन, मोबिलिटी ऑफ द एनायन
किसके, ये इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है भाई, ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके कैटायन और एनायन की बात हो रही, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, नोट कर लीजिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। फिर तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रो, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट की विशेषता देखिए, ये जो KCl, KNO3 ये सब थे, कहते हैं कि तीसरे पॉइंट में ये K प्लस Cl माइनस, ये आयन ना तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में पार्टिसिपेट करें, इनके आयन के साथ कोई रिएक्शन ना करें, इनके साथ कोई भी रिएक्शन ना करें, मतलब कि जो इलेक्ट्रो, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा गया है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन है वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के साथ में कोई भी रिएक्शन ना करे, इसके अंदर जो सोल्यूशन भरा गया उसको इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इसके अंदर जो सोल्यूशन भरा गया उसको भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कहा जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के आयन रिएक्शन नहीं करने चाहिए किसके साथ में, इनके साथ में, ये जो सोल्यूशन भरा इसके साथ कोई रिएक्शन, द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, लिखिए द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, द आयंस ऑफ द आयंस ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट must not react with the electrolytic solution, must not react with the electrolytic solution, electrolytic solution, electrolytic solution के साथ में उस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट समझ लीजिए तब लिखिएगा, पहले समझिए भाई, ये जो यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे गए हैं, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl, KNO3 यही सब है ना, ये कह रहे हैं कि ये एक प्रकार की चिपचिपे पदार्थ में बनाया जाता है, मतलब इनका जो सोल्यूशन बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट वो एक प्रकार के अगर अगर जेली, जैसे आप लोग खाने में यूज करते होंगे जेली, जैसे आप लोग जेली का और यूज करते हैं, तो जहाँ जहाँ जेली देखिए आप तो वो दैट चिपचिपा होता है ना, थोड़ा सा विस्कस होता है, तो इन सोल्यूशन को जेली में बनाया जाता है। ऐसा क्यों, क्यों जरूरत पड़ी जेली में बनाने की, इसलिए जरूरत पड़ी जेली में बनाने की कि इसके अंदर जब हमने भरा तो जेली के फॉर्म में रहेगा, तो जेली के फॉर्म में रहेगा तो जब आवश्यकता होगी तभी ये निकल के यहाँ आएगा, और अगर जेली में रहेगा तो सेमी, देखिए इनका सोल्यूशन किस में बनाया जाता है, जेली में बनाया जाता है। जेली में क्यों बनाया जाता है, चूंकि ये सॉलिड फेज में ना हो, ना तो लिक्विड फेज में हो, तो ना जब ना सॉलिड फेज होगा ना लिक्विड फेज होगा तो सेमी सॉलिड फेज, कौन सा फेज होगा, सेमी सॉलिड फेज, सेमी सॉलिड फेज। जेली में बनाने का लाभ क्या है, हमको क्या चाहिए, सेमी सॉलिड फेज ना, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट दैट इज प्रिपेयर्ड इन द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, तो नोट करिए द सैचुरेटेड सोल्यूशन, नोट करिए द सैचुरेटेड सोल्यूशन, द सैचुरेटेड सोल्यूशन, द सैचुरेटेड सोल्यूशन, द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रिपेयर्ड, द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रिपेयर्ड इन अगर अगर जेली, इन अगर फिर अगर जेली, जी ई डबल एल वाई, इन अगर अगर जेली, बिकॉज इन अगर अगर जेली, बिकॉज इट कीप्स द इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इट कीप्स द इलेक्ट्रोलाइट, देखिए बिकॉज इट कीप्स द इलेक्ट्रोलाइट, ये रखता है इलेक्ट्रोलाइट को, बिकॉज इट कीप्स द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इन द सेमी सॉलिड फेज, इन द सेमी सॉलिड फेज, इन द सेमी सॉलिड फेज, इसको सर्किल कर लीजिएगा सेमी सॉलिड फेज। तो इस तरीके से आप लोगों ने सेमी सॉलिड फेज, और सेमी सॉलिड फेज अगर हो गया तो ये आसानी से मिक्स नहीं होगा,
तो यहाँ पर आपने लिखा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ इनर्ट्रोलेटोलाइट, इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाता है किसमें, अगर अगर जेली में या जिलिटिन में, क्यों, क्योंकि इट कीप द इलेक्ट्रोलाइट इन द सेमी सॉलिड फेज, और सेमी सॉलिड फेज में अगर ये बन गया तो उससे क्या होगा, क्योंकि इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग, बिकॉज इट प्रिवेंट करता है, इसको रोकता है, बिकॉज यहां पर लिखिए बिकॉज इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग विद द बिकॉज इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग विद द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इन द हाफ सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इन द हाफ सेल। तो भाई मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, बिल्कुल चार बातें हैं, चार बातों को आप उंगलियों पे, फिंगर टिप्स पे ले लीजिए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट पहले नंबर पे भरा जाता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब है ये, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो इनर्ट होता है। इनर्ट क्यों होता है, चूँकि वो इनके साथ रिएक्शन ना करें। KCl, KNO3, NH4NO3, NH4Cl ये सारी इलेक्ट्रोलाइट हैं। तीसरी विशेषता है कि कैटायन की मोबिलिटी एनायन की मोबिलिटी सेम होना चाहिए। क्यों, जिस स्पीड से कैटायन निकल के यहाँ आए उसी स्पीड से एनायन निकल के यहाँ जाए, या वाइसी वर्षा। फिर मैंने बताया कि इसको सेमी सॉलिड फेज में बना के रखा जाता है, क्यों, क्योंकि अगर सेमी सॉलिड फेज में होगा तो ये आसानी से मिक्स नहीं होगा, वो इसी में पड़ा रहेगा, और जब आवश्यकता होगी तो धीरे धीरे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आएगा। तो इस तरीके से बहुत आसान है, कोई भी चीज़ अगर आपसे चार ऑप्शन थ्योरिटिकल बना के पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा करेक्ट है, तो आप चारों बातों को जानते रहेंगे तो जो करेक्ट होगा उस पर टिक कर लेंगे, कि सेमी सॉलिड फेज, मोबिलिटी सेम होना चाहिए, इन्वर्टेड यू इनर्ट होना चाहिए। और अब हेडिंग डालिए फंक्शंस ऑफ द साल्ट ब्रिज, मतलब अभी तक तो आपने इसकी विशेषता बताया कि ये कैसे बनता है, इन्वर्ट यू ट्यूब है, क्या इसमें भरा जाता है, क्यों भरा जाता है, और अब इसका कार्य क्या है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द साल्ट ब्रिज, क्यों लगाया जाता है। तो हेडिंग डाल दीजिए फंक्शंस ऑफ द साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज FUNCTIONS फंक्शंस ऑफ द साल्ट ब्रिज आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए भाई, समझने का प्रयास करिए इसके फंक्शन क्या है। फर्स्ट पॉइंट, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। सर्किट को कंप्लीट करने का मतलब, ये जिंक है, जिंक ऑक्सीडाइज होके, मैंने कल बताया था कि जिंक ऑक्सीडाइज होके क्या देगा, Zn+2 देगा और दो इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड पर रहते हैं इसलिए निगेटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा ना भैया, हाँ बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा ना, ऐसे यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है ना। तो क्या लिखा जा सकता है कि साल्ट ब्रिज कंप्लीट द सर्किट। लिखिए साल्ट ब्रिज पहला पॉइंट completes the electrical circuit CIRCUIT। सेकेंड पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर साल्ट ब्रिज की विशेषता यह है कि ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। समझ लीजिए, पहले मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करता है। या तो पहले समझ लीजिए या तो लिखवा लिखिए। सेकेंड पॉइंट साल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल। साल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल
साल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी NEUTRALITY साल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल सोल्यूशन, जो सेल में भरे गए हैं सेल सोल्यूशन। देखिए न्यूट्रलिटी को आप इसको कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट को आप सर्किल कर लीजिए। जब आप रिवाइज करेंगे तो ये सर्किल आपके सामने से गुजरेगा। समझने का प्रयास करिए भाई, कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करता है, और बहुत अच्छी तरीके से किताबों ने इसको एक्सप्लेन किया है। जो जेई की किताबें आपके पास होंगी, रेफरेंस बुक है, ABC ने इसको, प्रदीप और ABC ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, समझिए। देखिए मैं आपके सामने फिर से एक फिगर बना रहा हूँ, मैंने फिगर यहाँ पे बनाया, मैं इसी को थोड़ा सा फिर से एक बार जल्दी से बना लेता हूँ। ये हमारे पास साल्ट ब्रिज है, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, इसको हमने अटैच किया है। ये आप मत बनाइएगा, आप केवल समझिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इन्वर्टेड यूट्यूब है, ये इन्वर्टेड यूट्यूब है, ओके। इसके अंदर KCL होगा, इसके अंदर KCL मान लिया मैंने, माना तो KCL टूट के क्या देगा, K+ देगा, और क्या देगा, Cl- देगा, यही देगा ना। तो देखिए भाई, ये जिंक की राड है, ये जिंक की राड है, और ये हमने माना कि कापर की राड है, ये वाली राड कापर की राड हमने मान लिया। तो जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा, खूब ध्यान से समझिएगा, जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा तो Zn+2 देगा, दो इलेक्ट्रॉन। तो ये जब जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो ये जो Zn+2 बने, ये Zn+2 कहीं जाते थोड़ी हैं, इसमें तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है। तो ये Zn+2 इसी के पास में, ये Zn+2 इसके पास में। तो जिंक जब टूट के Zn+2 दिया तो ये सब इसके पास Zn+2 सब रहते हैं। तो एक फिगर आपके सामने ऐसे आता है, ये जिंक की राड है, तो यहाँ पर Zn+2, फिर Zn+2, 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 Zn+2। तो अब ये बताइए, जब इसको चारों तरफ से Zn+2 ने घेर लिया, इस इलेक्ट्रोड को यहाँ चारों तरफ घेर लिया, तो क्या ये फर्दर ब्रेक होगा? मान लीजिए कि इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक होने के बाद Zn+2 दे रहा है, तो Zn+2 इसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, तो क्या फर्दर ये टूटेगा? नहीं टूटेगा सर। क्यों नहीं टूटेगा? इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि जब तक Zn+2 वहाँ से हटेगा नहीं, जैसे किसी बस में हम अंदर कब जा सकते हैं, अगर बस पूरी की पूरी फुल है, एकदम कंप्लीट खचाखच भरी है, हम नीचे पायदान पर खड़े हुए हैं एकदम बिल्कुल लास्ट, तो अगला आने वाला जो पैसेंजर है मेरे बाद वाला, क्या ऊपर आ सकता? नहीं आ सकता। हम वो ऊपर कब आ सकता है? जब अंदर के पैसेंजर और आगे हटें। तो उसी तरीके से जब ये Zn+2 हटे, यहाँ से रिमूव हो, तभी वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा ना। तो इसका काम यही है, जब देखता है कि Zn+2 का एकमुलेशन इस इलेक्ट्रोड के, जिंक इलेक्ट्रोड के चारों तरफ हो जा रहा है, तो यहाँ से K+ देखिए और Cl- दो मिले हुए हैं, तो Zn+2 घेरे हुए। अब ये बेचारा कहता है जिंक इलेक्ट्रोड कि अब हम नहीं टूटेंगे, अब हम ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कहता है क्यों? कहते हैं अरे भाई, चारों तरफ से हमको घेर लिया है, अब हम दोबारा Zn+2 देने की स्थिति में नहीं है, कहाँ जाए, कुछ जगह बनाओ तब तो। तब ये कहता है Cl- अच्छा ठीक, Cl- तुरंत भेजता है यहाँ से Cl-, कहता मैं आ रहा हूँ। बेचारा यहाँ से दौड़ते चलता है और Zn+2 को न्यूट्रलाइज कर देता है। Zn+2 को क्या कर देता है? ये Zn+2 को Cl- क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर दिए। जब न्यूट्रलाइज कर दिए तो PPT बना गए, निकल गए, जगह खाली हो गई ना। जब न्यूट्रलाइज हो गया तो जगह खाली, फिर ये आराम से हंसते हुए टूटता है, कहता हाँ Cl- तुमने बहुत अच्छा किया। फिर यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कापर सल्फेट था ना। कापर सल्फेट टूट के क्या देगा? Cu+2, और क्या देगा? SO4-2, यही देगा ना। तो सल्फेट आयन इसके चारों तरफ डेरा डाले हुए हैं, सल्फेट आयन। तो कापर कहता है भाई, अब हमारे ऊपर तो Cu+2 का डिपोजिशन हो ही नहीं पा, आप क्या करें? तो यहाँ से K+ दौड़ते हुए चलता है। जब K+ दौड़ते हुए चलता है
तो के प्लस किसको करेगा न्यूट्रलाइज, एसओ फोर माइनस टू को, यहाँ न्यूट्रलाइज कर दिया, ये पीपीटी बन के निकल गए, फिर यहाँ घटना शुरू हो जाएगी आगे वाली। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरे गए हैं उन इलेक्ट्रोलाइट का काम है इसके चारों तरफ जो आयन एक्युमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज करना। बात समझ लीजिए एकदम, इनके चारों तरफ इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जो आयन इकट्ठा हो रहे हैं उनको क्या करना, उनको न्यूट्रलाइज करना। तो इसी फिगर को बनाना है हम लोगों को। तो इसको मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही मैंने लिखवाया था, साल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। तो दो बातें हैं ना, इसी के नीचे आपको बनाना होगा, हम ऊपर लिखेंगे लेकिन आप इसी के नीचे बनाएंगे। दो बातें कि अगर साल्ट ब्रिज ना लिया जाए, पहला केस कि साल्ट ब्रिज ना लिया जाए, तो साल्ट ब्रिज नहीं लिया जाएगा तो जितने भी आयन एक्युमुलेट होंगे वो एक्युमुलेट बने रहेंगे और धीरे 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 सेल काम करना, क्यों काम करना बंद कर देगा, भाई जिंक टूटेगा ही नहीं, जेडन प्लस टू बनेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है ऐसे जाएगा ही नहीं, तो धीरे 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 सेल की वर्किंग रुक जाएगी। तो इसमें लिखिए केस वन, केस वन में क्या होगा, सेल यहां पर लिखिए सेल विदाउट साल्ट ब्रिज, सेल विदाउट साल्ट ब्रिज, बिना साल्ट ब्रिज के सेल, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेल विदाउट द साल्ट ब्रिज, सेल विदाउट द साल्ट ब्रिज। और वहां पर आपने समझ लिया, फिगर आप मेरे साथ बना लीजिए, सेल विदाउट द साल्ट ब्रिज। तो फिगर आपको ऐसे बनाना है, ये मैंने एक सेल बनाया जिंक का हाफ सेल है, ऐसे आप मेरे साथ बना लीजिए, ये जिंक की राड है और यहां पर आप बना लीजिए कापर वाली राड, ये कापर वाली राड आपने बना लिया और दोनों को किससे जोड़ दिया जाए, भाई मैं पेन चेंज कर देता हूँ, दोनों को किससे जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए साल्ट ब्रिज से, किससे जोड़ दिया जाए साल्ट ब्रिज से, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया ना, ये कापर की राड है और इसको किससे अटैच कर दिया जाए, इससे अटैच कर दिया जाए ना, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, यहाँ साल्ट ब्रिज नहीं है, आपने लिखा है ना विदाउट साल्ट ब्रिज, तो आदत बन गई है साल्ट ब्रिज से जोड़ने की, तो आपने लिखा है ना साल्ट ब्रिज नहीं जोड़ना है आपको, क्योंकि आपने ऊपर लिखा है विदाउट साल्ट ब्रिज। तो ये जिंक की राड है, किसमें डिप है, जिंक सल्फेट में, ये जिंक सल्फेट है और ये कापर की राड है, किसमें डिप है, कापर सल्फेट में, कापर की राड किसमें डिप है भाई, कापर सल्फेट में, यहां पर साल्ट ब्रिज नहीं है। तो नोट करके बताइए क्या होगा, यहां से समझ लिए हैं ना, यहां से समझ लिए हैं कि ये जेडन जब जिंक टूटेगा, फिर से बनाइएगा साफ साफ जैसे मैं बना रहा हूं, जेडन प्लस टू और प्लस टू इलेक्ट्रॉन, यही है, तो इसके चारों तरफ, ये इसके चारों तरफ जेडन प्लस टू का एक्युमुलेशन, फिर क्या जेडन प्लस टू, फिर क्या जेडन प्लस टू, फिर क्या जेडन प्लस टू, इसके चारों तरफ किसका एक्युमुलेशन हो जाएगा, जेडन प्लस टू का। तो नोट करके ये लिखना ना, एक्युमुलेशन ऑफ, यहां पर लिखिए पहले एक्युमुलेशन ऑफ ऐसे बना लीजिए, एक्युमुलेशन ऑफ जेडन प्लस टू आयन, मतलब जेडन प्लस टू आयन का इकट्ठा होना, एक्युमुलेशन ऑफ द जेडन प्लस टू आयन अराउंड द जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड के अराउंड जेडन प्लस टू आयन का एक्युमुलेशन हो जाएगा ना। और यहां पर किसका होगा, यहां पर लिख लीजिए SO4 माइनस टू, ऐसे बना लीजिए और यहां पर लिख लीजिए एक्युमुलेशन ऑफ सल्फेट आयन, AWCU accumulation of SO4 minus 2 ions around the copper electrode। तो नोट लिखना है, नोट में क्या लिखना है भाई,
क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने आपको बताया ना कि जब इसके चारों तरफ Zn प्लस टू आ गए तो फर्दर Zn प्लस टू निकल ही नहीं पाएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होता है, तो धीरे धीरे सेल हमारा काम करना बंद कर देगा। तो इसी चीज़ों को लिखना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस मोमेंटरली, एम ओ एम ई एन टी ए आर आई एल वाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस मोमेंटरली, बहुत क्षणिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत क्षणिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स मोमेंटरी, एंड सेल विल स्टॉप वर्किंग, सेल विल स्टॉप वर्किंग। भाई कई बार पूछा गया है यह प्रश्न, कई बार पूछा गया, यही नोट जेई का है, ये आईआईटी जेई नीट का बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर साल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा। आपका जवाब भी होना चाहिए कि सर बहुत क्षणिक करंट बहेगी, वेरी स्लो वेरी मोमेंट्री करंट विल बी फ्लो, एंड उसके बाद धीरे 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 हमारा सेल काम करना बंद कर देगा। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहेगा, सेल विल स्टॉप वर्किंग। तो आप किस पर टिक करेंगे, सेल विल स्टॉप वर्किंग। केस वन तो ये हो गया कि सेल विदाउट द साल्ट ब्रिज। अब दूसरा क्या होना चाहिए, सेल विद द साल्ट ब्रिज। सेल आप लोग सेकंड केस करिए, यहां पर सेकंड केस डालिए, केस टू, और हेडिंग डालिए सेल विथ, सेल विथ साल्ट ब्रिज। केस टू, केस टू, सेल विथ साल्ट ब्रिज। और इसमें हम लोग वही जो फिगर अभी बनाए थे राइट साइड में बोर्ड के, व्हाइट बोर्ड के राइट साइड में जो चीज़ें हमने दिखाया था कि वो न्यूट्रलाइज करेगा, कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, तो उस चीज़ को बनाना है। फिगर को फिर से आप लोग मेरे साथ बनाते चलिए। यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड बनाइए, बनाइए जल्दी से, बिना हमारे बोर्ड को देखे हुए बनाइए। ये जिंक इलेक्ट्रोड है, सिमेट्रिकल बनाइए, थोड़ा ढंग से बने ये। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, दूसरा कापर वाला इलेक्ट्रोड, इस दोनों को हम लोग साल्ट ब्रिज से अटैच कर रहे हैं। यहाँ साल्ट ब्रिज लिया गया है, ये साल्ट ब्रिज है, ये साल्ट ब्रिज है, ये दिस इज दिस साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज है। इसको हम लोगों ने अटैच किया एक्सटर्नल वायर से, और यहाँ पर भी भरा हुआ है क्या सोल्यूशन, यहाँ पर भी क्या भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, यहाँ पर भी क्या भरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। जिंक की राड है, जिंक की राड है, ये जिंक की राड, और इधर कापर की राड है, ये कापर की राड है, ये कापर सल्फेट सोल्यूशन है। कल मैंने बताया था कि जब किसी भी मेटल की राड को उसके साल्ट सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो जो अरेंजमेंट दिखता है वही अरेंजमेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, तो वही इलेक्ट्रोड होता है। तो देखिए यही है साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। यहाँ पर हमने क्या माना, क्या भरा गया है, हमने मान लिया कि यहाँ KCl है, क्या है KCl। तो देखिए भाई यहाँ पर Zn प्लस टू आएगा ना, निश्चित रूप से Zn प्लस टू, मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ जिससे दिखाई दे, यहाँ पर Zn प्लस टू, यहाँ पर Zn प्लस टू, यहाँ Zn प्लस टू, यहाँ Zn प्लस टू, यहाँ Zn प्लस टू, तो यहाँ से Cl माइनस, क्या Cl माइनस यहाँ से निकल के आएगा, ये ऐसे बनाइए आप, ऐसे निकल के आएगा Cl माइनस, ये आ रहा है, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, किसको Zn प्लस टू को। तो ऐसे जैसे मैं फिगर बना रहा हूँ आप बनाइएगा, और यहीं बना लिखिएगा कि Cl माइनस, Cl माइनस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, Cl माइनस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रलाइजेस, न्यूट्रलाइजेस द Zn प्लस टू आयंस अराउंड द, अराउंड द जिंक इलेक्ट्रोड,
Cl- ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रलाइज Cl- ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रलाइज द Zn+2 आयन अराउंड द एनोड अराउंड द इलेक्ट्रोड. और वो कौन सा इलेक्ट्रोड है? वो एनोड है ना, लेफ्ट साइड है तो एनोड है. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो K+ है वो कौन आएगा भाई? यहाँ K+ बनाइए, यहाँ पर K+ बनाइए, इसको एरो से दिखाइए. K+ आ रहा है, कौन आ रहा है भाई? पोटेशियम प्लस आ रहा है. ये किसको न्यूट्रलाइज करेगा? यहाँ पे सल्फेट है, ये SO4-2, यहाँ SO4-2, यहाँ SO4-2, यहाँ भी SO4-2. तो यहाँ पर लिखिए कि K+, सॉरी हाँ K+, K+ न्यूट्रलाइजेस, N U E T R A L I S E S, K+ न्यूट्रलाइजेस द SO4-2 आयंस. K+ न्यूट्रलाइजेस द SO4-2 आयंस अराउंड द कैथोड, अराउंड द कैथोड. नोट कर लीजिएगा भाई, दोनों बातें नोट कर लीजिएगा. तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है उसका काम है जो सोल्यूशन में आयन एकुमुलेट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड के चारों तरफ एकुमुलेट हो रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करना, जिससे कि हमारा सेल प्रॉपर वे में वर्क करता रहे, मतलब आयन और इलेक्ट्रॉन मिलते रहें, इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ होता रहे, करंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ फ्लो करेगी. तो ये मतलब है इसका. तो नोट करके लिखिए, नीचे नोट करके लिखिए, द साल्ट ब्रिज प्रोवाइड्स द कैटायंस एनायंस. नोट करके लिखना है इसी के नीचे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं राइट साइड में लिखूंगा, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा. दस साल्ट ब्रिज प्रोवाइड्स द साल्ट ब्रिज प्रोवाइड्स द कैटायंस एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस टू रिप्लेस साल्ट ब्रिज. नोट करके लिखिए, नोट में लिखना है कि साल्ट ब्रिज प्रोवाइड्स द कैटायन एंड एनायन, कैटायन एनायन विच रिप्लेसेस द आयंस एकुमुलेटेड अराउंड द इलेक्ट्रोड्स, साल्ट ब्रिज प्रोवाइड्स द कैटायन एंड एनायन विच रिप्लेसेस द आयंस एकुमुलेटेड अराउंड द इलेक्ट्रोड्स during the electrochemical reactions. तो देखिए भाई, हमारे पास जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया, और अब आप छोटी हेडिंग डाल दीजिए, ओवरऑल सेल रिएक्शन. बहुत छोटी सी हेडिंग डालिए, ओवरऑल छोटी हेडिंग डालिए, ओवरऑल सेल रिएक्शन. भाई सेल क्या है? जब दो हाफ सेल एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो ओवरऑल सेल रिएक्शन. चलिए भाई, ये जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप किया गया, ये एनोड है ना, मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था एक शॉर्ट ट्रिक, एल ओ ए एन, जो लेफ्ट साइड में रहे, एल माने लेफ्ट, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा, वो नेगेटिवली चार्ज होगा. एल का मतलब लेफ्ट, मैंने पिछले टर्न पे बताया था. जो देखिए सेल कैसे बनता है, जब दो हाफ सेल को साल्ट ब्रिज से अटैच किया जाए और कनेक्टिंग वायर से उसको जोड़ा जाए आउटर सर्किट में, तो लेफ्ट साइड में ओ माने ऑक्सीडेशन होगा उस पर, ए माने एनोड होगा वो, एन माने नेगेटिवली चार्ज्ड होगा. कल मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया था. तो देखिए, एट एनोड
एनोड पर कौन सी अपक्रिया होगी? ध्यान दीजिए, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? इधर ध्यान दीजिए सब लोग, पहले लिखिएगा बाद में। जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया गया तो एनोड है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब कि जिंक एनोड पर जिंक टूट के देगा जेडन प्लस टू, प्लस टू इलेक्ट्रॉन, जेडन प्लस टू एट एनोड, जिंक चेंज होगा जेडन प्लस टू में प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन है, एनोड है तो ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई, एट कैथोड, एट कैथोड, सी ए टी एच ओ डी ई, एट कैथोड, समझिए पहले। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन मिले ना, तो जिंक ने जेडन प्लस टू दिया, और इलेक्ट्रॉन रहते कहाँ, यहीं तो रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसी पर तो रहते हैं, इसीलिए तो ये नेगेटिवली चार्ज हुआ। ये आया हुआ है प्रश्न, आया हुआ है कि ये जो डैनियल सेल है जिसमें जिंक को जिंक सल्फेट, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप करके साल्ट ब्रिज से अटैच किया गया, उसमें जिंक का इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज होता है। वाई, क्यों? जिंक का इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज इसलिए है कि जो जिंक ने जिडन प्लस टू दिया और दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन उसी इलेक्ट्रोड पर रहते हैं, और उसी इलेक्ट्रोड पर रहने के कारण ये इस वायर के माध्यम से इधर फ्लो करते हैं। ये देखिए ऐसे फ्लो करेंगे, और करंट, करंट किधर से किधर फ्लो करेंगे, ये करंट की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन तो जिंक से, इलेक्ट्रॉन देखिए रटने की आवश्यकता नहीं, जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप यही फिगर आपके सामने आएगा एग्जाम में। खूब मन से अगर समझे हैं कि सर ने कहा था कि जिंक का इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होगा, यही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अब आपसे पूछा कि जिंक का, जिंक की तरफ से कापर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कि कापर से जिंक की तरफ, तो आपका क्या जवाब? सर जिंक से कापर की तरफ धारा, कापर से करंट, जिसको आई से लिखा जाता है, वो कापर से जिंक की तरफ होगा। तो कैथोड पर बताइए, ये जो दो इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पर, यहाँ पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे, तो इसमें कापर प्लस टू भी है और सल्फेट भी है, दोनों इसी सोल्यूशन में है, तो कापर प्लस टू बड़ा खुश हो गया, कह रहा वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो कापर प्लस टू कह रहा, कापर प्लस टू कह रहा है कि वो दो इलेक्ट्रॉन दे के कह रहा है कि हाँ हाँ दो इलेक्ट्रॉन की कमी है मेरे पास, तो दो इलेक्ट्रॉन वो ले लिया। लेने के बाद क्या बनाएगा? कापर बनाएगा। क्यों? ये प्लस टू, ये टू इंटू माइनस वन माइनस टू, तो प्लस टू माइनस टू न्यूट्रल कर कापर। अब दोनों को जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए भाई, तो देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन इससे, दो इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल, तो लेफ्ट साइड में जोड़िए, जिंक प्लस सी यू प्लस टू, फिर एरो बनाइए, राइट साइड में क्या बचा? जेड एन प्लस टू बचा और कापर बचा, तो जेड एन प्लस टू बचा और क्या बचा? कापर बचा। तो यही रिएक्शन, यही अभिक्रिया ओवरऑल सेल रिएक्शन है आप डैनियल सेल। तो आपसे पूछेगा वो कभी कभी कि डैनियल सेल का पूरा रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसमें प्रॉब्लम कर पाएंगे। जिंक प्लस सी यू प्लस टू चेंज होकर बना रहा है जेड एन प्लस टू प्लस सी यू, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन यही है, नोट कर लीजिए, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। मैं ऊपर जगह बनाता हूँ, आप लोगों के पास तो जगह होगा, उसी के नीचे आप लोग लिखिएगा, फिर से मैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन मतलब जिंक प्लस सी यू प्लस टू प्रोडक्ट में बनेगा जेड एन प्लस टू और क्या? सी यू। तो हमारे पास फाइनली आया जेड एन प्लस सी यू प्लस टू चेंज होकर बना रहा है जेड एन प्लस टू और क्या? सी। तो बताइए भाई, जिंक चेंज हो रहा है किसमें? जेड एन प्लस टू में, तो इसका मतलब यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी यू प्लस टू किसमें? सी यू में, तो ये रिडक्शन है। तो ऐसी रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपके शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। नीचे हेडिंग डाल दीजिए रिडॉक्स कपल, छोटी हेडिंग डालिए, नोट करके, नोट करके लिखिए रिडॉक्स कपल, रिडॉक्स, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन आ गई ना, सी ओ यू पी एल ई एस, रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल है क्या भाई? यही जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है,
और यही जो रिडक्शन हाफ सेल है, इन्हीं हाफ सेल देखो कपल है, जोड़ा है ना, इसका जोड़ा ये, इसका जोड़ा ये, तो द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल्स आर नोन एज द रिडक्स कपल, लिख लीजिए, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल्स आर नोन एज रिडक्स कपल्स, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल्स आर नोन एज रिडक्स कपल द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल्स आर नोन एज रिडक्स कपल। और अब हेडिंग डाल दीजिए नोन एज रिडक्स कपल, हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड, हेडिंग डाल दीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कल मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था और उसी के बीच में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी शायद जिक्र किया था, अगर ना जिक्र किया हो तो आज मैं बता देता हूं। मुझे लग रहा है कि कल मैंने पढ़ाया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल STANDAR स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल POTENT स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माने SEP शॉर्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझने का प्रयास करिए भाई, लिखना बंद करिए, पहले समझिए। देखिए ये कोई इलेक्ट्रोड है, ये कोई एक बीकर है, बीकर में हमने एक कोई भी मेटल की राड, मैंने माना कि जिंक की राड को किस में डिप किया, जिंक सल्फेट में। कई बार पढ़ते पढ़ते हम लोगों को अभ्यास हो गया है जिंक को किस में डिप किया, जिंक सल्फेट में। तो ये कह रहे हैं कि अगर इसकी कंसंट्रेशन, ये जो साल्ट सॉल्यूशन है, अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, कितना 1 मोलर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो उस स्थिति में यहाँ पर बताया था कि निगेटिवली चार्ज और यहाँ पर क्या प्लस बताया था कल, तो एक जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन आपने कन्फाइन कर दिया, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है दोनों, और इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, STANDAR स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि अगर जिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज, देन लिख लीजिए इसे, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज देन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने पिछले टर्न पे बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे लिखा जाता है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखा जाता है E से, लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, NR से। नोट स्टार बना के लिखिए, SEP मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय NR, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय E naught, लिख लीजिए स्टार बना के, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर E naught लग गया तो इसका मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड का मतलब कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो उस कंडीशन में हुआ है जब इस सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, एक चीज ध्यान रखना,
कि जहाँ गैस इन्वॉल्व हो, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहाँ गैस इन्वॉल्व हो वहाँ पर प्रेशर लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? प्रेशर। अगर गैस इन्वॉल्व हो मतलब किसी इलेक्ट्रोड के सहारे गैस को पास किया जाए, उसको हम लोग गैस इलेक्ट्रोड कहेंगे। जैसा कि अभी हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वहाँ कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर होगा। लेकिन चूंकि यहाँ हमने स्टैंडर्ड कंडीशन बताई है कि स्टैंडर्ड कंडीशन है 1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई ई नॉट। लेकिन अगर गैस इन्वॉल्व हो तो प्रेशर आप कितना लेंगे? 1 bar प्रेशर। कितना लेंगे? 1 bar प्रेशर। टेम्परेचर आप कितना लेंगे? 298 केल्विन। तो नीचे नोट करके लिखिएगा, इफ ए गैस इज इन्वॉल्व देन द स्टैंडर्ड कंडीशंस, नीचे नोट करके लिखिए, इफ ए गैस इज इन्वॉल्व, इफ ए गैस इज इन्वॉल्व, इफ ए गैस इज इन्वॉल्व देन द स्टैंडर्ड कंडीशंस चूजन, then the if a gas is involved then the standard if a gas is involved then the standard conditions chosen chose chosen is या r करके लिख लीजिए r 1 atmosphere प्रेशर, यही स्टैंडर्ड कंडीशन है। 1 atmosphere प्रेशर, 1 atmosphere प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर, और इसको बॉक्स बना लीजिए, ऐसे बॉक्स बना लीजिए और ये यही लिख लीजिए फॉर ए गैस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो यही लिख लीजिए, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है किसके लिए? ये स्टैंडर्ड कंडीशन है किसके लिए? स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर गैस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर गैस इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन। हेडिंग डालिए सेल पोटेंशियल आर ईएमएफ ऑफ ए सेल। नेक्स्ट हेडिंग सेल पोटेंशियल ओआर अथवा ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल पोटेंशियल आर ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल पोटेंशियल आर ईएमएफ ऑफ द सेल। नेक्स्ट हेडिंग सेल पोटेंशियल आर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल पोटेंशियल आर ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल पोटेंशियल आर ईएमएफ ऑफ द सेल। देखिए भाई, आप लोग इंटरमीडिएट से पढ़ते आए हैं, खूब पढ़े हैं कि सेल पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। नाम है सेल पोटेंशियल, इसका मतलब पहले सेल बनाया जाए। और सेल कैसे बनता है? दो हाफ सेल जब कनेक्ट किया जाता है साल्ट ब्रिज से तो सेल बनता है। तो इसका मतलब बना लिया जाए, हमने बना लिया एक हाफ सेल ये बनाया, और इसको मैंने माना कि ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है ये, और किस में डिप है? ये जिंक सल्फेट में डिप है, इसको मैंने डिप कर दिया जिंक सल्फेट में। यहाँ पर मैंने बनाया कापर का इलेक्ट्रोड, कापर सल्फेट में डिप करके बनाया, यहाँ पर कापर का इलेक्ट्रोड बनाया, यहाँ कापर का इलेक्ट्रोड, ओके, और यहाँ पर क्या है? ये कापर सल्फेट है CuSO4, ये कापर का इलेक्ट्रोड है। दोनों को किससे अटैच किया भाई? साल्ट ब्रिज से अटैच किया। साल्ट ब्रिज में क्या भरा जाता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये साल्ट ब्रिज है इन्वर्टेड यू ट्यूब, इसको किससे अटैच किया गया? कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। अब बताइए, केमिस्ट्री ये कहती है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल, इस हाफ सेल का जो सिंगल इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा,
दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम माने राइट साइड में है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ER, R का मतलब राइट साइड, ये लेफ्ट साइड में, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लेफ्ट साइड, तो केमिस्ट्री ये कहती है कि EMF कुछ है नहीं, सेल पोटेंशियल कुछ है नहीं। ध्यान दीजिएगा, यह कॉन्सेप्ट बच्चा नहीं समझ पाता है, ना तो इंटरमीडिएट में ना तैयारी में, इसके बाद और आगे जाता है तभी नहीं समझ पाता वास्तव में सेल पोटेंशियल है क्या, EMF क्या है। केमिस्ट्री ये कहती है कि अगर कोई सेल बनाना है तो दो हाफ सेल को साल्ट ब्रिज के माध्यम से अटैच करना है और एक्सटर्नल सर्किट से दोनों इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होता है और करंट इधर से इधर फ्लो करती है। केमिस्ट्री ये कहती है कि दो हाफ सेल जब आपस में अटैच किए जाते हैं तो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का जो डिफरेंस होता है वही सेल पोटेंशियल है। सेल पोटेंशियल का मतलब डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल, ये हाफ सेल ये है, दूसरा हाफ सेल ये है, दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज द सेल पोटेंशियल। तो आप लिख सकते हैं the difference between the electrode potential of two half cells is known as cell potential. The difference between the electrode potential of two half cells is known as cell potential. The difference between the electrode potential of two half cell is known as the cell potential. इसी चीज को सेल पोटेंशियल या इसी को सेल वोल्टेज भी कहा जाता है, अब नीचे एक स्टार बना के लिखिए, देखिए भाई नीट का प्रश्न देखिए, जेई का प्रश्न देखिए, कंपटीशन का प्रश्न यही देखिए, डिफरेंस बेसिक डिफरेंस, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ER, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EL, दोनों का जो अंतर है वही सेल पोटेंशियल। इस पूरे सेल का जो अंतर है, मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो बचा वही इस सेल का पोटेंशियल है, यही पढ़ लिया जाएगा, यही रीडिंग में पढ़ेगा, यही वो पढ़ के बताएगा, ऑटोमेटिक पढ़ के बताएगा, जैसे आप कनेक्ट करेंगे बताएगा। अब देखिए अगला प्रश्न ये है कि सेल पोटेंशियल और EMF में फर्क क्या है। फर्क इतना है मेरे प्यारे बच्चों विद्यार्थियों, केमिस्ट्री ये कहती है, किताबें ये कहती हैं कि जिस समय सेल कोई भी करंट ना फ्लो कर रहा हो, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, उस स्थिति में राइट साइड के इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड का जो अंतर है, राइट साइड के इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड, वही EMF है, कब? देखिए अगर आपसे सेल पोटेंशियल पूछा जाए तो आप कहिएगा कि किसी भी सेल में उसके हाफ सेल के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है, दैट इज नोन एज सेल पोटेंशियल। लेकिन एक लाइन जोड़ दीजिएगा कि दिस सेल पोटेंशियल, यही सेल पोटेंशियल EMF कहलाएगा, यही सेल पोटेंशियल क्या कहलाएगा, कॉल्ड EMF, क्या कहलाएगा, EMF, इफ कॉल्ड EMF, if no current is drawn from the cell, that is open circuit, बहुत कॉन्सेप्ट की बात है भाई,
सारे बच्चों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझें। सेल पोटेंशियल को ही ईएमएफ कहेंगे। कब कहेंगे? जब ये ओपन सर्किट हो, मतलब ये क्लोज ना हो, ये ओपन हो। क्या हो? ओपन सर्किट। ओपन का मतलब ये जैसे क्लोज किया जाता है, यहां पर कोई वोल्ट मीटर लगाया गया तो इसको क्लोज किया जाता, क्लोज ना हो, ये ओपन हो। क्या हो? ओपन, क्लोज ना हो, मतलब कोई करंट फ्लो ना हो रही हो। आप करंट यहां चाहे करंट ना मिले, उस समय जो डिफरेंस हो वही ईएमएफ होगा। तो इसका मतलब नीचे लिखिए, नेक्स्ट स्टार बना के, ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। लिख लिए, मैं ऊपर जगह बनाता हूं, मेरे पास नीचे जगह नहीं है। तो देखिए भाई, आप लोगों ने यही लिखा, यहां पर आप लोगों ने ये लिखा कि राइट साइड के इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट साइड का जो इलेक्ट्रोड है उसी का जो डिफरेंस है वही ईएमएफ है। तो ईएमएफ, ईएमएफ को हमने किससे लिखा? ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। लेकिन अब देखिए, मेरा अनुरोध देखिए आपसे, राइट साइड के इलेक्ट्रोड का जो कन्वेंशन आप लेंगे, अगर इसको आप ऑक्सीडेशन ले रहे हैं तो इसको भी ऑक्सीडेशन लीजिएगा, अगर आप इसको रिडक्शन ले रहे हैं तो इसको भी रिडक्शन, सेम यूनिट में घटाइएगा। मतलब कि ई सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई राइट, राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं रिडक्शन के टर्म में ले रहा हूं तो इसको भी रिडक्शन में लीजिए, इसको भी किस में लीजिए? रिडक्शन में लिख लीजिए और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट करिए। और अगर आर करके कोई बच्चा लेना चाहे तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई राइट, और इसको ऑक्सीडेशन के टर्म में अगर लेना है तो उसको भी सेम यूनिट में घटाना है, ई लेफ्ट ऑक्सीडेशन। ये जब आप घटा रहे हैं तो दोनों को सेम यूनिट में सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन पहली वाली कंडीशन को आईयूपीएसी ने मान्यता ज़्यादा दिया है, वो कन्वेंशन ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में फॉलो किया जा रहा है, ये वाला ज़्यादा फॉलो किया जाए। टिक कर लीजिए कि इसी को आप भी फॉलो करिएगा कि दोनों इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दोनों रिडक्शन फॉर्म में। और एक चीज़ मैंने आपको पिछले टर्म पर बताया भी था कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, एक नोट लिख लीजिए कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये याद रखिएगा भाई, या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने ईएमएफ डिफाइन कर लिया। ईएमएफ कैसे डिफाइन किया? कि दो हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज नोन एज सेल पोटेंशियल। लेकिन यही, फिर से सुन लीजिए, यही सेल पोटेंशियल ईएमएफ कहलाएगा। कब? जब सर्किट से, सेल से कोई भी धारा फ्लो ना हो रही हो, मतलब ओपन सर्किट हो। इफ नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, दैट इज ओपन सर्किट हो, उस समय जो राइट साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अंतर होगा वही ईएमएफ होगा। तो डिफरेंस है सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में। सेल पोटेंशियल दोनों का डिफरेंस है किसी भी टाइम, लेकिन ईएमएफ के लिए हम ईएमएफ सब तभी कहेंगे जब ओपन सर्किट हो, सर्किट में कोई भी धारा फ्लो ना कर रही हो। और ये जो ईएमएफ है, नीचे नोट करके लिखिए, जो ईएमएफ है, नोट, ईएमएफ तीन बातों पर, पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा, ईएमएफ तीन बातों पर डिपेंड करता है। ईएमएफ किन किन बातों पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स, ईएमएफ डिपेंड्स किस पर, किस पर? पहले नंबर पर नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड नंबर पे
कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, और तीसरे नंबर पे टेम्परेचर, तीसरे नंबर पे टेम्परेचर, टी ई एम पी आर ए टी यू आर ई, टेम्परेचर। तो ईएमएफ तीन बातों पर डिपेंड करता है। ट्रिक देखिए भाई इसकी, याद करने की, ईएमएफ किन बातों पर, ये भी नीट का प्रश्न है, आया हुआ है जेई में, नीट का बहुत प्रश्न है, और भी जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीएससी के, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है कि ईएमएफ किन पर डिपेंड करता है, तो नेचर पर, कंसंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर। तो सबका पहला अच्छा किस पर डिपेंड करता है, एनसीटी, एनसीटी, नेचर कंसंट्रेशन टेम्परेचर, नेचर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो भाई हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ध्यान रखिए ई राइट और माइनस ई लेफ्ट। तो अभी मैंने जो फिगर आपके सामने बनाया, जैसा कि यहां भी बना हुआ है कि जिंक की राड को जिंक सल्फेट में डिप किया जाए और कापर की राड को कापर सल्फेट में डिप किया जाए, दोनों को साल्ट ब्रिज से अटैच कर दिया जाए, तो जो अरेंजमेंट बनता है वही अरेंजमेंट कहलाता है डैनियल सेल। क्या कहलाता है, डैनियल सेल, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज डैनियल सेल। तो नीचे नीचे एक फिगर हम लोगों को बनाना है, बिल्कुल वही फिगर जैसे जिंक को जिंक सल्फेट, कापर को कापर सल्फेट, स्टार बना के लिखिए, स्टार बना के लिखिए, स्टार बना के लिखिए, ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ द डैनियल सेल, ईएमएफ ऑफ द डैनियल सेल, नीचे नोट बना के लिखिए, नीचे नोट करके लिखिए, ईएमएफ नोट करके, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए भाई इसका ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द, ईएमएफ ऑफ द डैनियल सेल, डी ए एन आई ई डबल एल, ईएमएफ ऑफ द डैनियल सेल इज, ईएमएफ ऑफ द डैनियल सेल इज, इज 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, इसको सर्किल कर लीजिएगा, ईएमएफ ऑफ द डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, ईएमएफ ऑफ द डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, ईएमएफ ऑफ द डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, नोट कर लिए भाई। और कैसे निकला होगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट से ऐसे फिगर बना लीजिए, ऐसे जल्दी से एक फिगर बना लीजिए, ऐसे बनाइए, यहाँ पर जिंक की राड, यहाँ साल्ट ब्रिज, यहाँ साल्ट ब्रिज, ऐसे बना लीजिए, यहाँ भी बना लीजिए, और इसको अटैच कर दीजिए, यहाँ कापर की राड है, ये जिंक की राड, इसमें डिप किया गया जिंक सल्फेट में, यहाँ कापर को किसमें डिप किया गया, कापर सल्फेट में, कापर को किसमें डिप, ये कापर की राड है और ये जिंक की राड है, ये कापर की राड किसमें डिप किया गया, कापर सल्फेट में, जिंक को डिप किया गया जिंक सल्फेट में, ओके, जिंक को डिप किया गया जिंक सल्फेट में, कापर को डिप किया कापर सल्फेट। तो यहाँ पर जो ईएमएफ आया, यहाँ पर जो ईएमएफ आया ना, यहाँ पे ईएमएफ, यही ईएमएफ मेजर करेगा, यही ईएमएफ मेजर करेगा, और इसकी वैल्यू कितना आई, ईएमएफ इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। किसके लिए भाई ये, किसके लिए है ये, किसके लिए है, यही है डैनियल सेल के लिए। अगर कोई आपसे पूछे कि डैनियल सेल, और डैनियल सेल क्या होता है, तो क्या बताएंगे, ये गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल होता है जिसमें जिंक को जिंक सल्फेट में, कापर को कापर सल्फेट में डिप किया जाता है, और इसको किससे अटैच किया, साल्ट ब्रिज से। तो इसका ईएमएफ कितना होता है, इसका ईएमएफ कितना है भाई, इसका ईएमएफ है 1.1 वोल्ट, और इसका मतलब ये है कि उस समय कोई भी करंट सर्किट से फ्लो नहीं कर रही है। तो अगर कोई भी करंट सर्किट से फ्लो नहीं कर रही है, उस समय जो भी सेल पोटेंशियल आएगा वही ईएमएफ होगा 1.1 वोल्ट। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसको बढ़ाने से पहले, समाप्त करने से पहले, अलविदा कहने से पहले, जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम इस लेक्चर को रिवाइज करेंगे, हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या आपको पढ़ाया। तो देखिए भाई आज हम लोगों ने जो स्टार्टिंग किया, आज हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज की क्या विशेषताएं थी? ये साल्ट ब्रिज था तो पहली विशेषता तो आपने कहा कि सर ये इन्वर्टेड यू ट्यूब है, दूसरी विशेषता कि इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, तीसरी विशेषता कि इसमें कैटायन की मोबिलिटी और एनायन की मोबिलिटी दोनों आपस में बराबर रहती है। फिर आपने ये कहा कि ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है इसको हम अगर जेली में बनाते हैं जिससे वो सेमी सॉलिड फेज ले, सेमी सॉलिड फेज होने के नाते वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में मिक्स नहीं हो पाएगा। फिर आपने कहा कि इसका फंक्शन क्या है भाई, इसका कार्य क्या है? अभी तक तो विशेषता, तो मैंने दो कार्य बताए और दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेंगे। पहले नंबर पर इलेक्ट्रिकल सर्किट को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को ये कंप्लीट करता है। आज देखिए कंप्लीट कर दिया, जोड़ दिया ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट कर दिया। और दूसरी विशेषता है कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, किसको? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। दोनों याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है साल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। न्यूट्रलिटी का मतलब यहां से आयन देके भेजता है और इसके चारों तरफ जो एक्युमुलेशन इकट्ठा हुए आयन रहते हैं फर्जी वाले एक्स्ट्रा वाले उनको न्यूट्रलाइज करता है, उसी तरीके से यहां भी। फिर हम लोगों ने क्या बताया? हमने बताया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। हमने कहा कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड को, किसी भी राड को उसके साल्ट सोल्यूशन में डिप किया जाए और इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे मेजर किया जाता है? इनार्ट से लिखा जाता है। मैंने कहा अगर गैस का केस इन्वॉल्व हो, तो गैस का केस इन्वॉल्व होगा तो 1 एटमॉस्फियर प्रेशर होगा और टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, तो ये गैस इलेक्ट्रोड के केस में होता है। फिर मैंने आपको बताया ईएमएफ आर सेल पोटेंशियल। तो मैंने कहा कि अगर कोई सेल बनता है तो उसमें दो हाफ सेल अटैच किए जाते हैं, दोनों हाफ सेल का सेल पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल, दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, दैट इज नोन एज सेल पोटेंशियल। तो यही सेल पोटेंशियल कहलाएगा ईएमएफ। कब? जब सर्किट से कोई भी करंट फ्लो ना कर रही हो, कोई भी धारा सर्किट से फ्लो ना कर रही हो, ना तो बाहर ली जा सकती है ना अंदर धारा नहीं फ्लो कर रही हो। फिर मैंने बताया ईएमएफ इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। बताया तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा सेम यूनिट में लीजिए, अगर इसको रिडक्शन में ले रहे हैं तो इसको भी रिडक्शन में, अगर इसको ऑक्सीडेशन में ले रहे हैं तो इसको भी ऑक्सीडेशन। फिर मैंने बताया कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं माइनस में। फिर आगे मैंने क्या बताया? फिर मैंने आगे आपको बताया कि अगर दो इलेक्ट्रोड जिंक का जिंक सल्फेट, कापर का कापर सल्फेट के साथ अटैच करके जोड़ा जाए तो जो ईएमएफ आता है डेनियल सेल का वो आता है 1.1 वोल्ट। तो याद रखिएगा 1.1 वोल्ट ये क्या है? ईएमएफ है। किसका? डेनियल सेल का। ईएमएफ होने का मतलब कि सेल वोल्टेज जबकि सर्किट से कोई भी करंट ना फ्लो कर रही हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप लोग परिश्रम करिए, श्रम करिए, बिना श्रम के कुछ भी साध्य नहीं। लिख के केमिस्ट्री को बार बार लिखिए, पेन कॉपी लीजिए, बार बार लिखिए। इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, ईएमएफ इजिकल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट किताब में ढूंढिए, पुराने साल के पेपर में इसी फार्मूले पर डायरेक्ट हैं और इसको सॉल्व करिए। बिना श्रम के कुछ भी साध्य नहीं है, श्रमम बिना न किमप साध्यम। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है संस्कृत का और ये अक्षरशः सत्य है कि बिना श्रम के कुछ भी साध्य नहीं है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि श्रम करिए और अपने गोल को अचीव करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा, नमस्कार।